बच्चों के लिए सीएम शिवराज का प्यार, बच्चों के लिए सड़कों पर निकलेंगे सीएम। जी हां, खिलौनों के लिए सड़कों पर उतरेंगे सीएम। 24 मई को भोपाल की सड़कों पर सीएम दिखाई देंगे। आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए जमा करेंगे खिलौने। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि सीएम ने अपना प्यार बच्चों के लिए जताया है और उन्होंने कहा है कि 24 मई को हो जाएंगे और बच्चों के लिए खिलौने एकत्र करेंगे। और बता दें कि सीएम लगातार बच्चों से भी संवाद करते हैं। बच्चों के लिए उन्होंने कल क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। जब चाहे तब मैं भोपाल में निकलने वाला हूँ बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठा करने, हाथ ठेला लेके आंगनबाड़ी के लिए। ये मेरा एक मिशन है लोगों को जोड़ने का कि हमारे बच्चे कुपोषित क्यों रहे। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अकेले की ड्यूटी थोड़ी कि कुपोषण से मुक्त कर दें। समाज में अवेयरनेस आना चाहिए। मैंने अपने क्षेत्र में आह्वान किया किसानों से कि फसल आई है आंगनबाड़ी में कुछ गेहूं दे दो या जो और फसल है। कई जगह लोगों ने भर दी आंगनबाड़ियां, किसी ने 50 किलो, किसी ने 25 किलो, कोई कमी नहीं रही, इतना पोषण आहार आ गया। सरकार और पोषण आहार वो एक पक्ष है, लेकिन जन भागीदारी जुटाना और लोगों के मन में ये तड़प पैदा करना कि हमारे बच्चे कुपोषित नहीं रहेंगे। वो ब्रजेश वापस आपके पास आना चाहेंगे। बच्चों के लिए आंगनबाड़ी, बच्चों के लिए खिलौने एकत्र करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे सीएम। कैसे देखते हैं इस खबर को, क्या प्रतिक्रिया लोगों से मिल रही है? बिल्कुल, देखिए 24 मई को यानी 3 दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद हाथ ठेला लेकर भोपाल की सड़कों पर निकलेंगे और सड़कों पर निकलकर लोगों से आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए खिलौने मांगेंगे। इस पूरी योजना का उद्देश्य सीएम ने जैसा बताया कि यह है कि समाज के विकास में, समाज को जो पिछड़ गए हैं उनको अग्रिम धारा में समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ प्रमुख रूप से खड़ा करने में न सिर्फ सरकार की भूमिका हो बल्कि समाज की भी भूमिका हो, सामाजिक उत्तरदायित्व का सरोकार हो, समाज खुद सोचे कि हमें अपने विकास के लिए क्या करना चाहिए, सामंजस्य का एक भाव हो और लोग सरकार पर डिपेंड ना होकर एक दूसरे की मदद करना सीखें। ये तमाम उद्देश्य इस पूरी योजना के और इसीलिए सीएम लगातार कई शासकीय योजनाओं में समाज से भी सहयोग मांगते हैं। आंगनबाड़ियों में जो फ्री राशन वितरण की योजना है बच्चों के लिए, उसके लिए भी सीएम ने 1 महीने पहले जब गेहूं की कटाई शुरू हुई थी तो लोगों से अपील की थी कि वो अपनी इच्छा और श्रद्धा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार अन्न दान करें। और उसके बाद कई आंगनबाड़ियों में हमने देखा था कि पूरा स्टोर रूम जो था वो फुल हो गया था और यही सरोकार जताने के लिए सीएम एक बार फिर 24 मई को भोपाल की सड़कों पर निकलने वाले हैं। इसके लिए 4 जगहों को चिन्हित किया गया है, आनंद नगर, गोविंदपुरा, बैरागढ़ और कोलार में से एक किसी जगह पर सीएम जो है वो हाथ ठेला लेकर लगभग 2 घंटे तक गलियों में घूमेंगे और 24 मई को ये पूरा कार्यक्रम होगा जहां पहले से ही लोगों से अपील की जाएगी और सीएम के निकलने वक्त सीएम खुद भी अपील करेंगे कि जो बचे हुए खिलौने हैं लोगों के घरों में वो बच्चों को दें ताकि गरीब तबके के जो आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं उन तक ये खिलौने पहुंचे और सामंजस्य का भाव एक समाज में पैदा हो सके। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।